bismillahir rahmanir alaikum students i am your teacher of commercial geography from icb g60 islamabad students today is my 24th youtube lecture of commercial geography for class 12 uh, icam uh, morning and evening shifts before going to start the current topic. In the previous lecture, I had delivered YouTube lectures on characteristics and utility of Pakistan irrigation system. Now, today, I am starting to deliver lecture chapter. वर्ल्ड एग्रीकल्चर एंड टूडे माई टॉपिक ऑफ लेक्चर इज क्रॉप व्हीट व्हीट के बारे में हम आज डिटेल के साथ पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लेक्चर ट्वेंटी फोर इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें इंट्रोडक्शन अबाउट वीट गंदम जो फसल है उसकी इंट्रोडक्शन फिर फेवरेबल फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ यानी गंदम की काश्त या उसकी नशो के लिए मौजू यानी फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे फिर टाइप्स ऑफ वीट टाइप्स ऑफ वीट को पढ़ेंगे कितनी टाइप्स की वीट का वीट कास्ट की जाती है और इम्पॉर्टेंट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के जो अहम गंदम आ, पैदा करने वाले ममालिक हैं उनके बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे फिर टेबल में आपके साथ शेयर करूंगा टेबल ऑफ वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड देयर प्रोडक्शन इन मिलियन मेट्रिक टन जो 2013 तेरह चौदह का एक डाटा होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा गंदम की पैदावार मिलियन मेट्रिक टन में किन किन ममालिक में कितनी है और फिर लास्ट में ट्रेड ऑफ वीट जो गंदम की आ, को एक्सपोर्ट करने वाले मालिक कौन कौन से हैं और, और गंदम को इंपोर्ट करने वाले मामालिक कौन कौन से हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट वीट गंदम एक गंदम के बारे में पढ़ते हैं कि गंदम है क्या चीज तो वीट इज टेम्परेट क्लाइमेट गंदम जो है वो दरअसल मुंतका मौत दिला के जो टेम्परेट रीजन है टेम्परेट क्लाइमेटिक रीजन के इलाके हैं यहां का एक अहम गई फसल इसको एक आम गजाई फसल के तौर पर इसको शुमार किया जाता है एंड अब ये दुनिया के हर एक हिस्से में काश्त आज से हजारों साल बेश शुरू हुई वीट वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द्लाट टू बी कल्टिवेटेड बाई ह्यूम गंदम ये एक ऐसा पौधा था जिसको सबसे पहले इंसान ने इस जमीन के ऊपर जो है वो काश्त किया कल्टीवेट किया इट इज एग्रीड दैट वीट वॉज फर्स्ट फाउंड इन वेस्टर्न एशिया मायरीन जो का ख्याल है या इसके बारे में इतफाक पाया जाता है कि गंदम की काश जो कि आज, आज से हजारों साल पहले शुरू हुई तो सबसे पहले इसकी काज की इब्तदा मगरबी एशिया यानी वेस्टर्न एशिया के इलाकों से हुई स्पेशली खास तौर पर इन वैलीज ऑफ नायल दरियाई नील की वादी मिस्र से पाकिस्तान में दरियाए सिंध की वादी जो है वो सिंध एंड एंड और इराक में दरियाए फरत की वादी से इसका आगाज हुआ इट वॉज दूड ऑफ पीपल ये यहाँ के रहने वाले लोगों की एक आम गजाई फसल शुमार की जाती थी यानी गंदम दरिया और अराक और दजला अराक में दरिया दजला और फरात की वादी की एक अहम गजाई फसल इस के तौर पर यहाँ के लोगों की एक अहम गजाई फसल के तौर पर इसको शुमार किया जाता था वीट कल्टिवेशन स्प्रेड इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन लेटर स्टेज एंड इन अमेरिका बाद में दुनिया के ये दूसरे ममालिक खास तौर तो पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी ये फसल काश्त की जाने लगी वीट वॉज कैरीड बाई द यूरोपियन इन दिक्कसटीन सेंचुरी सोलवी सदी ईस्वी में यूरोप वाले इस फसल को अपने मुल्क में ले गए यानी इस पौधे को जाकर इस फसल को अपने मुल्क में काश्त किया फूड uh, ये इंसान की एक बहुत फसल के तौर पर इसको शुमार किया जाता है बिकॉज इट प्रोवाइड डेली ब्रेड टू लार्ज पॉपुलेशन क्योंकि ये दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी को रोजाना की बुनियाद पर खुराक मुहैया करती है रोटी मुहैया करती है यानी हमें जो रोटी या ब्रेड हासिल होती है वो गंदम से हासिल होती है एक्सेप्ट मास सम ऑफ मानसून एशिया एशिया के वो जो इंतई दल दली इलाके हैं मरतूब इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं जहां पर जो है वो जंगलात ज्यादातर पाए जाते हैं वहां पर गंदम काश्त नहीं की जाती बाकी पूरी दुनिया के अंदर इसको काश्त किया जाता है नेक्स्ट है फेवरेबल फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ वीट गंदम की काश्त या ग्रोथ के लिए किस किस्म के होते हैं यानी पैदावार के लिए मौजूद हालात जो हैं जिसमें दो तरह के फैक्टर्स होते हैं एक है फिजिकल फैक्टर जो कि कंपलसरी होता है किसी भी फसल की ग्रोथ के लिए और सेकंड वन है इकोनॉमिक और एग्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स माशी या जरा माशी फैक्ट फिजिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स में फर्स्ट है टेम्परेचर सेकेंड वन है रेनफॉल और थर्ड वन है सॉइल सबसे पहले हम फिजिकल फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं टेम्परेचर यानी गंदम की पौधे की काश्त के लिए हमें किस किस्म का कितना टेम्परेचर चाहिए तो गंदम ए, का जो पौधा है इसको जब कास्त किया जाता है तो इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है बेसिकली टेम्परेचर टेम्परेट ऑफ वीट एट द अर्ली स्टेज इट रिक्वायर्स कूल एंड मॉइस क्लाइमेट यानी इसके लिए कूल और मॉइस्ट क्ला, क्लाइमेट की जरूरत होती है मॉइस यानी नमी वाले आबो हवा की जरूरत होती है एट टेम्परेचर ऑफ सिक्सटी डिग्री फॉरन हाइट फॉर नियरली थ्री मंथ्स फेवर्स द रिच ग्रोथ ऑफ वीट यानी जब गंदम के पौधे को इबा में इसको काट किया जाता है तो इसके लिए 60 डिग्री फॉर नाइट टेम्परेचर की जरूरत होती है हाई टेम्परेचर अब गंदम का पौधा पक जाता है उसकी फसल तैयार हो जाती है पक तो उस वक्त और एंड हार्वेस्टिंग सीजन में जब उसको काटा जाता है तो टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री फॉर नाइट तक रिक्वायर्ड होता है बिकॉज दिस वीट डिजीज अगर 80 डिग्री फॉर से से अबरेचर होगा तो इससे एक तो ये फसल तेजी के साथ पक भी जाएगी और दूसरा गंदम के पौधे को जो मुख्त डिजीज या बीमारियों लगने का खतरा होता वो भी काफी हद तक उनकी रोकथाम हो जाती है तो इसके लिए सोइंग सोइंग सीजन सौइंग सीजन के वक्त जब इसको बोया जाता है एट द टाइम ऑफ सोइंग 60 डिग्री फॉर नाइट और एट द टाइम ऑफ राइपिंग एंड हार्वेस्टिंग 80 डिग्री फॉर नाइट टेम्परेचर की जरूरत होती है सेकेंड वन है रेनफॉल बारिश कितनी चाहिए तो basically, uh, wheat does not thrive in moist uh, in land. have places where the annual rainfall exceeds 45 degree inches are not suitable for wheat. कल्ट, ए, कल्टिवेशन फिर वो इलाके जहां पर पैंतालीस इंच से ज्यादा बारिश होती है वो इलाके भी गंदम की काश्त के लिए मौजू नहीं है दी रिक्वायरमेंट ऑफ रेन एंड डिफर्स इन डिफर एंड कूल लैंड द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रेनफॉल फॉर द वार्म लैंड इज ट्वेंटी इंच जो गर्म जमीने हैं उनके लिए ट्वेंटी इंच तक बारिश की जरूरत होती है और जो कूल cool, uh, लैंड उसके लिए टेन इंच रेनफॉल की एनअल रेनफॉल की जरूरत होती है Um, so in warm areas where rainfall is less than 20 inches अगर गर्म इलाकों में 20 इंच से कम बारिश होगी तो their uh, wheat uh, cultivation is not possible without irrigation सिस्टम तो ऐसे इलाकों में आ, आ, आपाशी के बगैर यानि अनुसामय आपाशी के बगैर इस फसल को काश्त करना मुमकिन नहीं है जहाँ पर 20 इंच से कम बारिश होती है थर्ड वन है सॉइल यानी इसके लिए मिट्टी किस किस्म की जमीन किस मिट्टी किस किस्म की चाहिए एलिवियल दॉल एंड सिट लूम्स आर रिकमेंडेड फॉर प्रोग्रेसिव कल्टिवेशन ऑफ बीट यानी गंदम की काश्त के लिए जरखेज यानी लूमी साइल मिट्टी जिसमें रेत तो और चिकनी मिट्टी जो है वो मुनासिब मकदार में शामिल होती है और खास तौर पर इस किस्म की दरियाओं की लाई हुई जो जरखेज मिट्टी होती है वो इस गंदम की काश्त के लिए बहुत मोज होती है इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो लावा साइल है काली मिट्टी है वो भी इसके लिए मुफीद होती है और जमीन में हर साल अगर फसल काटने के बाद उसके अंदर नाइट्रोजन की मकदार में इजाफा किया जाए तो उसकी जरखेजी में मजीद इजाफा हो जाता है इसके अलावा उसे मैन्योर भी दिया जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर भी अगर इस जमीन के अंदर शामिल की जाए तो इसकी पैदा तो ये पैदावार गंदम की पैदावार में इजाफे का बायस बनती है इस चीज में फिर हम आते हैं इकोनॉमिक और ए, ए, एग्रो इकोनॉमिक फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ हाई यील्डिंग सीड यानी ज़्यादा बीज का इंतबाब करना चाहिए फिर लेटेस्ट मशीनरी है जिसमें आप कह सकते हैं जदीद किस्म की मशीनें जिसमें ट्रैक्टर है थ्रेशर है हार्वेस्टर है इनका इस्तेमाल किया जाए फिर मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसमें आप कह सकते हैं कि जदीज राय नकुलंची सड़कें अच्छी किस्म की हों यानी खेत से गांव जहाँ खेत है और उससे मुख्त कि प्रोडक्ट तैयार की जाती है उन को वापस अः कंज्यूमर तक लाने के लिए मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन फेसिलिटीज की जरूरत होती है फिर प्लांटिंग मैथड के गंदम का पौधा कैसे काज किया जाए उसका मेथड क्या है आमतौर पर दो तरीके एक छट्टे का तरीका होता है किसान जो है वो आ... मुट्ठी भर कर वो खेत में जो है वो छट्टी की शक्ल में बहुत से इलाकों में जहाँ किसानों के पास वक्त कम होता है या वसाइल की कमी होती है वहां पर गंदम कतारों में काश्त करने के बजाय हाथों से इधर उधर गंदम बिखेर दी जाती है अगर इस तरीके से गंदम काश्त हो जाती है लेकिन नासर पैदावार हासिल नहीं होती लिहाजा दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैथड है उसको कहते हैं रो की शक्ल में लाइन में यानी कतारों में काश्त करना जिसको कह रहे एक, कीरा करना कहते हैं तो गंदम को अगर कतारों में काश्त किया जाए तो ज्यादा और बेहतर फसल की की जा सकती है यानी एक रो से दूसरी रो का फासला कम अज कम जो है वो इंच और पौधे पौधे से पोड़े का कम अज कम तीन इंच तक रखा जाए तो इससे किस्म की काश्तकारी ड्रिल मशीनों या हेल के साथ लोहे रबड़ वगैरह की नाली बांध कर भी की जा सकती है और फिर है हार्वेस्टिंग यानी जो गंदम का पौधा है इसकी कटाई जो है वो मुनासिब वक्त पर की जाए अगर मुनासिब वक्त पर हम इसको आ, काटेंगे नहीं तो फसल की जो पैदावार है वो आ, अच्छी नहीं होगी तो दि इन टाइम हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप इंश्योर्स हाई ईड एंड एट द सेम टाइम अ प्रोडक्ट ऑफ हाई क्वालिटी तो ये फिजिकल और इकोनॉमिक और एग्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जिनके बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ा है अब है टाइप्स ऑफ वीट दे आर टू टाइप्स ऑफ आ, वीट, ए, in the world. में दो तरह की कल्टिवेट की जाती हैं एक है, स्प्रिंग वीट और है विंटर वीट. बहार की गंदम और सरमा की गंदम तो स्प्रिंग वीट देखें दिस वीट इज सोन इन स्प्रिंग सीजन इस गंदम को जो है वो मौसम बहार में काश्त किया जाता है बोया जाता है इन द मंथ फेबर एंड मार्च

जी अपर पंजाब का जनूबी पंजाब के इलाके पंजाब और सिंध के जो इलाके हैं यहाँ पर इट इज साउन इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर और एंड इज हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मे जून और मे और जून में इसको काटा जाता है तो दो इसकी इम्पॉर्टेंट टाइप हो गई इसके बाद है इम्पॉर्टेंट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के अहम गंदम पैदा करने वाले ममालिक के बारे में कि वो कौन कौन से ममालिक हैं पर गंदम ए, सबसे ज्यादा मकदार में काश्त भी की जाती है पैदा की जाती है तो इसमें सबसे पहला है चाइना है सेकेंड नंबर पे इंडिया थर्ड पे यूएसए फोर्थ रशिया फिफ्थ आप कह सकते हैं कि फ्रांस नंबर पे है कनाडा सेवेंथ ऑस्ट्रेलिया एट जर्मनी नाइन्थ पाकिस्तान टेन टर्की एवं काजकिस्तान तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जहाँ पर गंदम को कल्टीवेशन uh, सबसे ज्यादा और पैदावार भी ज़्यादा है अब इन मामालिक को हम मैप uh, की मदद से देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की तो uh, चाइना जो है वो गंदम पैदा करने वाला एक अहम मुल्क है यहाँ पर गंदम वसी पैमाने पर काश्त की जाती है जो चाइना के नॉर्दर्न एरियाज हैं जो इसके शुमाली इलाके हैं यानी दरिया हवांग की वादी गंदम की पैदावार में नमाय मुकाम रखती है ये चाइना के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं यहाँ पर जो है वो अः की वादी में इसके अलावा अगर इस इलाके में जहाँ मौसम सरमा शदीद होता है की वैली में, गंदम, मौस में बहार यानी ए, स्प्रिंग वीट की शक्ल में इसको काजती है इसके अलावा दरिया जंगसी क्या की वादी में सरमाई गंदम यानी विंटर ए, वीट क्रॉप की ए, कल्टीवेट की जाती है चीन अपनी खुराक की जरूरियात में खुद कफील है चूंकि इसकी आबादी बहुत बड़ी है इसलिए ये कम मकदार में गंदम कहीं एक्सपोर्ट करता है ये अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए इस मुल्क के पास वाफर मकदार में गंदम मौजूद है इसके अलावा सेकेंड नंबर पर है इंडिया अब हम इंडिया की तरफ आते हैं यह आपके सामने इंडिया है ए जो कि दूसरा बड़ा आबादी वाला दुनिया का मुल्क है हिंदुस्तान भी गंदम पैदा करने वाले ममालिक नमाय मुकाम रखता है हिंदुस्तान दुनिया के में जो है पहले इसका तीसरा नंबर था अब ये दूसरे नंबर पर और एशियाई ममालिक भी ये दूसरे नंबर पर गंदम पैदा करने वाला मुल्क यानी चीन के बाद दूसरा बड़ा गंदम पैदा करने वाला मुल्क है इंडिया में गंदम इसके सेंट्रल एरियाज जो है सुबह आप कह सकते उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश मशरकी पंजाब दिल्ली, मुंबई गुजरात और राजस्थान के इलाकों में गंदम ज़्यादा पैदा की जाती है यानी काश्तकारी के ये अहम इलाके हैं और इंडिया में गंदम सिर्फ है विंटर सीजन में ही काश्त की जाती है इसके अलावा फोर्थ नंबर पर जब हम जाते हैं तो रशिया की बात हो रही है रूस तो रशिया के इलाकों में गंदम दोनों मौसमों में यानी रशिया और उसके जो आ, होने वाली स्टेट्स हैं ताजिकस्तान उजबकिस्तान तुर्कमेनिस्तान वगैरह के इलाकों में यानी मौसम बिहार यानी स्प्रिंग सीजन में भी और विंटर विन, सीजन में भी गंदम काश्त की जाती है फिफ्थ नंबर पर देखें तो फ्रांस की तरफ आते हैं ये रशिया है, इसके अलावा अब हम आते हैं फ्रांस फ्रांस ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूक्रेन ये फ्रांस की तरफ आते हैं तो ये यूरोप का एक अहम मुल्क है यूरोपीय ममालिक में फ्रांस गंदम की पैदावार में सर फरिस्त है यानी जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें सर फरिश्त जो है वो टॉप अः यूरोपियन गंदम पैदा करने वाला या वीट प्रोडक्शन में वो है फ्रांस है पेरिस के शमाली इलाके रोहार और सार की वा, वा, सार की वादी गंदम की पैदावार के लिए मखसूस हैं इस मुल्क में आबादी ज्यादा है लेकिन जो है वो मॉडर्न जो है साइंटिक साइंटिफिक मेथड तो इस्तेमाल करने के बाय इस फीड़ पैदावार जो है गंदम की काफी ज्यादा है तमाम फ्रांस गंदम की कुछ मकदार अपनी जरूरत से ज्यादा जो है वो गंदम वो दुनिया के दिगर ममालिक को एक्सपोर्ट भी करता है फिर है अगर हम एशिया में बात करें तो ने, ने, तुर्की की बात है तुर्की ए, ने गंदम की पैदावार में नमाम काम हासिल किया और अब तुर्की भी दुनिया में आठवीं और एशिया ममालिक में तीसरा बड़ा गंदम पैदा करने वाला मुल्क है ये आपके सामने तुर्की है ए, इसके अलावा पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान में गंदम मौसम सरमा के शुरू में काश्त की जाती है और अः अगरचे पाकिस्तान के चारों सुबह में गंदम काश्त की जाती है तहम सुबह पंजाब और सिंध के जो नहरी इलाके हैं जिनको हम केनाल इरीगेशन के इलाके कहते हैं वहां पर गंदम ज्यादा मकदार में काश्त की जाती है इसके अलावा दुनिया में अगर देखें तो कनाडा गंदम की पैदावार में कनेडा जो है वो दुनिया में पांचवा बड़ा आ, गंदम पैदा करने वाला अहम मुल्क है और इसमें इस मुल्क में गंदम सिर्फ आ, विंटर सीजन में काश्त की जाती है कनाडा के जो सेंट्रल एरियाज हैं जो इसके वस्ती इलाके हैं सूबे जो कि सर्द मुंतका है यानी जो कोल्ड टेम्परेट रीजन है जिसमें में प्रीरी के घास के मैदान जो आम इलाके हैं गंदम की काश्त और पैदावार में नमायम काम रखते हैं यानी प्रीरी ग्रास लैंड जो है वो कनाडा के अंदर जो है वो गंदम की पैदावार में नमायम काम रखते हैं इसके अलावा और दुनिया के इस इलाके को खुराक की आप कह सकते हैं कि ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है यानी कनाडा को भी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भी जो इसके सेंट्रल एरियाज हैं ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ये कनाडा इन इलाकों में कनाडा में और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में गंदम जो है वो काफी मिकदार में पैदा में अब हम आते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ़ की चाइना के बाद गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, करने वाला और तकरीबन दुनिया की कुल आबादी का वन सेवेंट हिस्सा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पैदा होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दोनों मौसम मौसम बहार विंटर में विंटर और आ, सर्मा मौसम सर्मा में गंदम काश्त की जाती है तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं कि विंटर वीट क्रॉप एरियाज कौन से हैं दिस टाइप ऑफ वीट इज़ इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ साउन इन द मंथ्स ऑफ ऑटम ए यानी मौसम खजां के दौरान इसकी बुआई की जाती है जिसको हम विंटर क्रॉप कहते हैं एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ्स ऑफ अर्ली समर और में मौसम गर्मा जब शुरू होता है तो उसके जो शुरू वाले मंथ्स है मे जून में इसको काट लिया जाता है द फॉलोइंग स्टेट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर विंटर वीट कल्टिवेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दर्ज जेल जो स्टेट्स हैं रियासतें वो गंदम की मौसम सरमा की गंदम की पैदावार में नाम काम रखती हैं जिसमें फर्स्ट नंबर पर आप कह सकते हैं कि इसके जो नबर्सका कैनसास ओक्लोहोमा एंड टेक्सास ये मिडिल वेस्ट की तरफ जो इलाके हैं ये इसके अहम इलाके हैं जिन जहाँ विंटर वीट कल्टिवेट की जाती है सेकंड नंबर पर आप देखें तो मैरीलैंड पेंसिल्वेनिया वर्जीनिया ईस्ट कोस्ट की तरफ ये ईस्ट कोस्ट की तरफ ये इलाके हैं जिसमें मैरीलैंड है पेंसिल्वेनिया है वर्जीनिया स्टेट है जबकि ओहाया इंडियाना आ, आ, मिशिगन ये स्पीरियल लेक्स जो आ, स्पीरियल लेक्स हैं उसके गिरदनवा के इलाके हैं वहां पर ये गंदम विंटर वीट क्रॉप वीट जो है वो कल्टिवेट की जाती है जबकि वाशिंगटन मॉन्टाना कोलोरेडो और ओरेगन आ, ओरेगन वेस्ट की तरफ ये इलाके हैं वाशिंगटन मोंटाना और और ओरेगन यहाँ पर जो है वो मौसम सरमा की फसल काश की जाती है अब स्प्रिंग बीट की तरफ आते हैं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में तो इट इज़ ग्रोन मोस्टली इन साउथ एंड नॉर्थ डकोटास यानी इंतई जनूब या शुमाली डेकोटा के इलाकों में काश की जाती है माउंटाना एंड इन मैनीसोटा स्टेट्स वेयर इंस्पाइट ऑफ द शॉर्ट ग्रोइंग सीजन अगर माउंटाना और मनीसोटा के अंदर जो ग्रोइंग सीज़न इसका जो होता है वो कम होता है देयर थ्री टू फाइव मंथ्स ओनली द लॉन्ग समर डेज जहाँ पर तीन से पांच महीने जहाँ पर मौसम गर्मा के लंबे दिन होते हैं एंड कॉन्टीनेंटल इंफ्लुंसिस ऑन टेम्परेचर ब्रिंग व्हीट क्रॉप िटी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमरिका प्रोड्यूस अमेरिका करता है वर्ल्ड और दुनिया so के बहुत सारे मामालिक को ये गंदम को एक्सपोर्ट भी करता है इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ऑस्ट्रेलिया बरअम ऑस्ट्रेलिया में गंदम जो है वो ये ऑस्ट्रेलिया ब्रजम ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर गंदम पैदा करने वाला एक अहम मुल्क है ऑस्ट्रेलिया के दो ऐसे इलाके हैं जहां पर गंदम वसी पैमाने पर काश की जाती है एक वह इलाका जिसे हम दरिया मोरे डार्लिंग का ताश कहते हैं यहाँ दरिया मोरे डार्लिंग का ताश है ए, जहाँ की आबोहवा जो के मुंतक है मोदी जनूबी यानी जनूब की तरफ जो जुनूबी सदरन डाउन ग्रास लैंड के नाम से कहा जाता है उन पर मुश्तमिला दूसरा वो इलाका है जो कि जुनूब मगरब की तरफ है इसके साउथ वेस्ट की तरफ है जो जिसमें जहाँ की आबोहवा मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है गंदम की पैदावार में ये दोनों इलाके मोरे डाल और जनूब मगरबी इससे जहां पर क्लाइमेट जो है वो मेडिटेरियन मेडिटेरेनियन टाइप यानी बहर रूम की आबो हवा से मिलती जुलती है वहाँ पर गंदम ज्यादा काश्त की जाती है ऑस्ट्रेलिया की चूकी आबादी बहुत कम है और गंदम उसकी जरूरत से ज्यादा पैदा होती है इसलिए ये मुल्क जो है वो कमर्शियल बुनियादों पर गंदम पैदा करता है और दुनिया के दिगर ममालिक को एक्सपोर्ट भी करता है इसके अलावा जर्मनी यूरोप के अंदर देखें तो जर्मनी जो है ये भी यूरोपीय यूनियन का ये मुल्क दुनिया की गंदम की जदीद पैमाने पर काश्त कर रहा है और दुनिया में गंदम की पैदावार में मुकाम रखता है इसके अलावा अगर हम दुनिया में देखें तो बरतानिया है नीदरलैंड है बेल्जियम है पोलैंड क्या हंगरी रोमानिया इटली स्पेन पुर्तगाल मिस्र सोडान मराश साउथ अफ्रीका अर्जेंटाइन ब्राजील ये सारे ममालिक जो हैं जहाँ गंदम Uh, अपनी जरूरत के तहत ये सारे गंदम पैदा करते हैं लेकिन टॉप के कंट्रीज में पहले नंबर पर चाइना है सेकंड पे इंडिया और थर्ड पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसकी पैदावार को देखा है अब हम देखते हैं वीड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर प्रोडक्शन इन मिलियन मेट्रिक टन इन टू एंड फिफ्टीन चौदह तो पंद्रह के दौरान दुनिया में अहम गंदम पैदा करने वाले ममालिक और उनकी पैदावार मिलियन मेट्रिक टन में जिसमें चाइना है इसकी पैदावार देखें मिलियन मेट्रिक टन में तो मिलियन मिलियन टन टन दूसरे नंबर पर इंडिया 80 तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पॉइंट जीरो टू सिक्स टू मिलियन मेट्रिक टन फोर्थ रशिया फोर्टी वन पॉइंट फाइव वन मिलियन मेट्रिक टन फिफ्थ पे फ्रांस 40.79 मिलियन मेट्रिक टन सिक्स पाकिस्तान 23.31 मिलियन यानी छठे पे पाकिस्तान को दिखाया गया 2014-15 में इसकी पैदावार 23.31 मिलियन मेट्रिक टन और फिर जर्मनी है 24.11 मिलियन मेट्रिक टन एट्थ पे कनाडा 23.17 मिलियन मेट्रिक टन फिर तुर्की है 19.66 और काजस्तान नाइन पॉइंट सिक्स फोर इसके अलावा ईरान अर्जेंटीना यूके ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन और पोलैंड की पैदावार को भी मिलियन मेट्रिक टन 2014 15 की जो पैदावार है उसको दिखाया गया है इसके बाद है ट्रेड ऑफ व्हीट मेन एक्सपोर्टर्स कंट्रीज ऑफ वीट गंदम बरामद करने वाले आम में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है कैनेडा है मैक्सिको है अर्जेंटीना है ये साउथ अमेरिका का मुल्क है ऑस्ट्रेलिया है जर्मनी है फ्रांस है रशिया है और यूके है ये काफी मकदार में अपनी जरूरत से ज्यादा गंदम पैदा करके वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और काफी कमा रहे हैं जबकि मेन इम्पोर्टर्स कंट्रीज में जो गंदम दरामद करने वाले हैं इसमें चाइना है चाइना जो है वो अपनी जरूरत से ज्यादा गंदम जब उनसे शा, कहीं शॉर्टेज होती है तो वो दिगर ममालिक से, आबादी बहुत ज्यादा इंपोर्ट भी करना पड़ती है फिर जापान है इटली है कोरिया है इंडोनेशिया ब्राज़ील स्पेन अलजेरिया अफ्रीकन कंट्री है जहाँ जो कि अपनी जरूरत से जा, 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 जब उनकी जरूरिया पूरी करने के लिए गंदम ना काफी होती है अपने मुल्क में तो ये फिर दिगर ममालिक से खास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कनाडा, मैक्सिको अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया जर्मनी फ्रांस रशिया और यूके वगैरह से गंदम को इम्पोर्ट करते हैं ये ए, था ट्रेड ऑफ वीट और नेक्स्ट टास्क जो है मैं आपको दो दे रहा हूँ एक है वट आर दूटेबल फिजिकल कंडीशन फॉर व्हीट कल्टिवेशन गंदम की काश्त के लिए सूटेबल यानी अहम जो है तबाही हालात क्या है यानी फिजिकल फैक्टर्स कौन से है तो इसमें टेम्परेचर है रेनफॉल है साइल इसको अपने डिटेल के साथ पढ़ना भी है लिखना भी है और सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में जो की अक्सर एनअल पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ हुआ है राइट अ डिटेल नोट ऑन वीट बेल्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट के जो गंदम के पैदावार इलाके हैं उनके ने ने बारे में लिखें आल्सो एक्सप्लेन हाउ यूएसए इज कार्ड ब्रेड बास्किट ऑफ वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और खास तौर पर कनाडा को आप कह सकते हैं कि दुनिया की अनाज की टोकरी के तौर पर उसको कहा जाता है खुराक की टोकरी यानी ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है तो इसके बारे में आपने डिटेल के साथ लिखना भी है फिर ये थे क्वेश्चंस एक लॉन्ग और एक शॉर्ट क्वेश्चंस है थैंक्स अल्लाह हाफिज़ आपने इनको अच्छे तरीके से डिटेल के साथ पढ़ना भी है